स्टूडेंट्स, हाउ आर यू? कैसे हैं बच्चे आप सब? स्टूडेंट्स, इन दिस लेक्चर कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन, लास्ट टाइम वी हैव डिस्कस्ड अबाउट द थायरॉइड ग्लैंड, पैराथायरॉइड ग्लैंड एंड द एड्रिनल ग्लैंड. टुडे इन दिस लेक्चर वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट द फोर ग्लैंड्स विच आर नेम पैंक्रियाज, gonads, that is testes in male and ovaries in females, thymus gland and pineal gland. So first of all we will start with the gland, that is a pancreas. अब जो ये pancreas gland है, it is present below the stomach. कहां present होता है? Stomach के बिल्कुल ठीक नीचे, और वहां पर एक लूप बनी होती है, लूप ऑफ द ड्यूडेनम ऑफ द स्मॉल इंटेस्टाइन, उसमें ये प्रेजेंट होता है, ठीक है ना. फिर अगर इसके स्ट्रक्चर की बात करें, इट इज एलोंगेटेड येलोइश हेट्रोक्राइन ग्लैंड. तो सबसे पहला पॉइंट ये है, इट इज प्रेजेंट बिलो स्टमक, कि स्टमक के बिल्कुल ठीक नीचे प्रेजेंट होगा, इन लूप ऑफ ड्यूओडेनम ऑफ स्मॉल इंटेस्टाइन. ये सेकंड पॉइंट है कि ये एक एलोंगेटेड येलोइश हेट्रोक्राइन ग्लैंड है. इट इज एलोंगेटेड येलोइश, येलोइश कलर का है, ठीक है ना, हेट्रोक्राइन ग्लैंड. जब हेट्रोक्राइन की बात होती है, इसका मतलब कि ये ऐसा ग्लैंड है विच इज पार्सली एंडोक्राइन एंड पार्सली एक्सोक्राइन. क्लियर? इसका मतलब क्या होगा कि इसके दो पार्ट होंगे. कैसे? देखिए जरा कि सपोज ये हमारे पास ग्लैंड है, इसके हमने बोल दिया दो पार्ट है, क्यों? ये एक हेट्रोक्राइन ग्लैंड है. कैसा? ये हेट्रोक्राइन ड्यूअल नेचर का है. इसका मतलब क्या होगा कि इसका एक पार्ट जो है, इट इज एक्सोक्राइन, और इसका ये जो दूसरा पार्ट है, इट इज एंडोक्राइन, ठीक है ना. लेकिन हम पढ़ रहे हैं यहां पे मेनली जो हमारा फोकस रहेगा वो एंडोक्राइन पार्ट पे रहेगा. लेकिन हम यहां पर यह भी बताएंगे कि दिस ग्लैंड सीक्रेट सम एंजाइम्स, कि जो इसका एक्सोक्राइन पार्ट है वो भी कुछ जूसेस सीक्रेट करता है, विच कंटेन सर्टेन डाइजेस्टिव एंजाइम्स उसके पास होते हैं, ठीक है बच्चों. तो ये जो ग्लैंड है, ये जो पार्ट है, इसमें क्या होते हैं, दिस एक्सोक्राइन पार्ट कंसिस्ट ऑफ लोब्यूल्स होते हैं. इसमें सेल्स क्या है? लोब्यूल्स बोलते हैं हम सेल्स को. क्या बोलते हैं? लोब्यूल्स. एंड दे सीक्रेट पैंक्रियाटिक जूस. क्या सीक्रेट करते हैं? सीक्रेट पैंक्रियाटिक जूस सीक्रेट करते हैं. एंड इस जूस के अंदर क्या होगा? पैंक्रियाटिक जूस कंटेन डाइजेस्टिव एंजाइम. आपने पढ़े हुए डाइजेस्टिव एंजाइम कि यहां पर क्या होगा, इसमें ट्रिप्सिन होगा, इसमें अमाइलेज होगा और इसमें लाइपेज होगा, ठीक है ना. जो क्या काम करते हैं कि ये डाइजेस्ट करते हैं, डाइजेस्ट किसको डाइजेस्ट करेंगे, कि अगर ट्रिप्सिन है किसका डाइजेशन करेगा, प्रोटीन को डाइजेस्ट करेगा. अगर अमाइलेज की बात करते हैं किसको डाइजेस्ट करेगा, कार्बोहाइड्रेट को डाइजेस्ट करेगा. अगर हम लाइपेज की बात करते हैं किसको, फैट को डाइजेस्ट करेगा. तो ये तो जो इसका एक्सोक्राइन पार्ट है वो काम करता है, ठीक है ना. और जो अब एंडोक्राइन पार्ट है इसका, इज इट कंसिस्ट ऑफ सम यू कैन से एंडोक्राइन सेल्स. क्या होंगे इसके पास? एंडोक्राइन सेल्स.
जिसको हम क्या बोल सकते हैं, आइसलेट्स ऑफ लैंगरहंस, क्या बोल सकते हैं उनको, आल्सो कॉल्ड आइसलेट्स ऑफ लैंगरहंस, आल्सो कॉल्ड आइसलेट्स ऑफ लैंगरहंस। ठीक है ना, अब यहां पर दो तरह के सेल्स हैं, ठीक है ना, एक अल्फा सेल्स हैं और दूसरे बीटा सेल्स हैं, ठीक है ना। जो अल्फा सेल्स हैं ये एक हार्मोन सीक्रेट करते हैं जिसको बोलते हैं ग्लूकागन, और दूसरा जो बीटा सेल्स है ये क्या काम करते हैं, दे सीक्रेट हार्मोन इंसुलिन, ठीक है ना। अब बात करते हैं हम यहां पर कि जो ग्लूकागन है उसके क्या फंक्शन रहेंगे और जो इंसुलिन है उसके क्या फंक्शन रहेंगे। तो सबसे पहले हम देख लेते हैं यहां पर इंसुलिन को देख लेते हैं, क्योंकि इंसुलिन जो है वेरी इंपॉर्टेंट है। इंसुलिन को हम सबसे पहले लेंगे यहां पे, जो इंसुलिन है हमने बता दिया कि जो बी सेल्स हैं ऑफ आइसलेट्स ऑफ लैंगरहंस दे सीक्रेट दिस हार्मोन, ये इसको सीक्रेट करते हैं, ठीक है ना। और फिर ये क्या काम करता है, देखिए जो सेल्स होंगे, जो टिश्यूज होंगे और जो ऑर्गन्स होंगे उनको रिकॉग्नाइज करने में, और अब्जॉर्प्शन ऑफ द ग्लूकोज इट इज ओनली अकर इन द प्रेजेंस ऑफ द इंसुलिन, ठीक है बेटे। देखिए जो इंसुलिन का जो पहला काम होगा क्या होगा, इट हेल्प इन द लोअरिंग ऑफ द ब्लड ग्लूकोज लेवल, इट हेल्प इन लोअरिंग ऑफ ब्लड ग्लूकोज लेवल। ये क्या करता है, हमारे ब्लड के अंदर जो ग्लूकोज लेवल है उसको डाउन करता है, उसको लेवल को हमेशा डिक्रीज करता है। करेगा कैसे कि हमारे अंदर जो सेल्स हैं, जो टिश्यूज हैं, ठीक है ना, और इवन जो ऑर्गन्स हैं, ठीक है ना, इन सब को ये रिकॉग्नाइज करने में, और एब्जॉर्प्शन ऑफ ग्लूकोज ओनली अकर्स इन द प्रेजेंस ऑफ द इंसुलिन, ठीक है ना। ऑर्गन्स रिकॉग्नाइज एंड, या रिकॉग्निशन की हम बात कर सकते हैं, रिकॉग्नाइज एंड ऑब्जॉर्प्शन, एंड ऑब्जॉर्प्शन ऑफ ग्लूकोज अकर्स इन प्रेजेंस ऑफ इंसुलिन। इनका जो रिकॉग्नाइजेशन हो रहा है, सेल्स के ऊपर रिसेप्टर्स होंगे या टिश्यूज के ऊपर रिसेप्टर होंगे या ऑर्गन्स के ऊपर रिसेप्टर होंगे, तो वो तभी ग्लूकोज का अपटेक करेंगे ब्लड से जब हमारी बॉडी के अंदर इंसुलिन प्रॉपर अमाउंट में सीक्रेट होगा। दूसरा क्या काम करता है कि अगर हम बात करते हैं लीवर की, या हम बात करते हैं हमारे मसल्स की, हमारे मसल्स में जो एक्स्ट्रा ग्लूकोज होता है इट विल गेट कन्वर्टेड इनटू ग्लाइकोजन। वो ग्लूकोज को किसमें कन्वर्ट कर रहा है, ग्लाइकोजन में, कौन कर रहा है, इंसुलिन। इट हेल्प इन कन्वर्जन ऑफ ग्लूकोज टू ग्लाइकोजन इन लीवर एंड मसल्स, और वहीं पर ये स्टोर हो जाते हैं लीवर के अंदर और मसल्स के अंदर ग्लाइकोजन के फॉर्म में, ये फ्यूचर यूज के लिए हमारी बॉडी में डिपॉजिट हो जाता है। ये तो थे हमारे पास की जो नॉर्मल फंक्शनिंग होती है इंसुलिन की। अगर सपोज करो इंसुलिन की डेफिशिएंसी हो जाए Then what will happen? तो उससे क्या होगा कि अब जो सेल्स हैं वो रिकॉग्नाइज करते हैं, अब जो ग्लूकोज करते हैं, ठीक है ना, वो प्रॉपर नहीं कर पाएंगे, दे फेल टू रिकॉग्नाइज, वो सेल्स को टिश्यूज को रिकॉग्नाइज नहीं कर पाएंगे। तो जब सेल्स और टिश्यूज रिकॉग्नाइज नहीं होंगे तो अब्जॉर्प्शन इज नॉट अकर, इट्स
डेफिशिएंसी फेल्स टू रिकॉग्नाइज क्या हो जाएगा फेल्स टू रिकॉग्नाइज एंड एब्जॉर्प्शन ऑफ ग्लूकोज ठीक है ना ग्लूकोज का ऑब्जेक्शन नहीं कर पाएगा एंड ऑब्जेक्शन ऑफ ग्लूकोज अगर सपोज ऑब्जेक्शन नहीं हो रहा है ठीक है ना तो उससे क्या होगा ग्लूकोज लेवल और भी ज्यादा मतलब जो ब्लड ग्लूकोज लेवल है इट विल गोज इंक्रीज तो ये हमेशा क्या होगा ज्यादा ही ज्यादा इंक्रीज करेगा तो इससे क्या होगा कि ब्लड ग्लूकोज लेवल एज ए रिजल्ट क्या होगा ब्लड ग्लूकोज लेवल गोज ऑन इंक्रीजिंग ब्लड ग्लूकोज लेवल क्या होगा इंक्रीज कर जाएगा ठीक है ना एक्स्ट्रा ग्लूकोज स्टार्ट एक्सक्रीटेड थ्रू द यूरिन एक्स्ट्रा ग्लूकोज एक्सक्रीटेड थ्रू यूरिन की जिनके अंदर इसकी डेफिशिएंसी हो जाएगी इंसुलिन की उनके यूरिन में ग्लूकोज सीक्रेट होना स्टार्ट हो जाएगा एंड दिस डिसऑर्डर इज कॉल्ड डायबिटीज मेलिटस क्या बोलेंगे दिस डिसऑर्डर इज कॉल्ड डायबिटीज मेलिटस ये डिसीज हो जाएगी ठीक है ना अब जब डायबिटीज मेलिटस अगर ट्रीट नहीं की जाए तो अब पेशेंट में किस तरह के लक्षण दिखाई देंगे इफ डायबिटीज इज अनट्रीटेड देन इफ डायबिटीज मेलिटस इज अनट्रीटेड अगर इसकी तरफ ध्यान नहीं किया दिया गया देन इट रिजल्ट्स अब इसके क्या सिम्टम हमें दिखाई दे सकते हैं कि वास्टिंग ऑफ टिश्यू ऑफ द पेशेंट सबसे पहला क्या होगा वास्टिंग ऑफ टिश्यूज कि जो टिश्यूज हैं वो डिजेनरेट होना शुरू हो जाएंगे उनका डिटेरियरेशन स्टार्ट हो जाएगा ठीक है ना रिड्यूस्ड हीलिंग क्योंकि अगर चोट लग जाती है तो उनको हीलिंग भी प्रॉपर नहीं होगी रिड्यूस्ड हीलिंग प्रोसेस उनको हीलिंग प्रोसेस भी प्रॉपर नहीं होगी ठीक है ना नेक्स्ट है फिर कीटोन बॉडीज सीक्रेट होना स्टार्ट हो जाएंगी कीटोन बॉडीज विल बी इंक्रीज्ड कीटोन बॉडी ज्यादा इंक्रीज हो जाएगी ब्लड के अंदर ठीक है ना और जो विजन है पर्सन की वो कह जाएगी ब्लड विजन हो जाएगी आंखों से दिखना थोड़ा सा ब्लड हो जाएगा ब्लड विजन हो जाएगी जिसको ये डिसीज हो जाती है ठीक है ना और जो सबसे बड़ा अटैक होता है इसका वो हमारी किडनी की ऊपर भी हो जाता है जिसको हम कहते हैं किडनी प्रॉब्लम उनको रहनी स्टार्ट हो जाती है किडनी प्रॉब्लम्स तो ये कुछ ऐसे हमारे पास सिम्टम्स आ जाते हैं पेशेंट के अंदर इफ दिस डिसीज इज यू कैन से लेफ्ट अनट्रीटेड इसलिए हमें इसको ट्रीट करना चाहिए हमें इसका ध्यान रखना चाहिए कि पेशेंट को चाहिए कि कम से कम जो ग्लूकोज की मात्रा है वो कम से कम लेकिन सुगर जो कंटेंट है वो सबसे कम से कम ले ठीक है ना ये एहतियात तो कम से कम उनको बरतनी ही चाहिए और अगर डायबिटीज मेलिटस को कंट्रोल रखना है ठीक है ना तो हमें क्या करना पड़ेगा कि हमें जो इंसुलिन है क्या है जो इंसुलिन है उसका इंजेक्शन पेशेंट को
दिया जाना चाहिए, ठीक है ना। तो इसके अगर ट्रीटमेंट की अगर हम बात करते हैं, ट्रीटमेंट तो इसमें ट्रीटमेंट में करता है इंजेक्शन से भी हो सकता है, ओरल टैबलेट्स भी आती हैं। बाय टेकिंग ओरल टैबलेट्स लेकिन बाय इंजेक्टिंग इंसुलिन टू पेशेंट, कि इंसुलिन का इंजेक्शन फिर लगाया जाएगा, देन इट विल बी कंट्रोल्ड। तो दिस अबाउट द यू कैन से इंसुलिन हार्मोन। अब जो दूसरा हार्मोन है विच इज सिक्रेटेड बाय द एंडोक्राइन पार्ट ऑफ द पैंक्रियाज, दैट इज अ ग्लूकागन। अब ये जो ग्लूकागन है, जैसे आपको पहले ही बताया जा चुका है, इट इज सिक्रेटेड बाय द अल्फा सेल्स ऑफ द आइसलेट्स ऑफ द लैंगरहैंस सेल्स। और जो इंसुलिन है वो क्या काम करता है, वो तो ब्लड ग्लूकोज लेवल को अगर उसकी कमी हो जाती है वो बढ़ जाता है ब्लड ग्लूकोज लेवल, लेकिन जब इंसुलिन प्रॉपर मात्रा में सीक्रेट हो रहा है देन इट डिक्रीजेस द ब्लड ग्लूकोज लेवल। लेकिन यहां पर जो ग्लूकागन करता है ये क्या करता है, इट इंक्रीज ब्लड ग्लूकोज लेवल, उल्टा काम करता है, इट इंक्रीजेस ब्लड ग्लूकोज लेवल, ये ब्लड ग्लूकोज लेवल को बढ़ाता है, ठीक है ना। और करेगा क्या कि बाय स्टिमुलेटिंग मोर ग्लूकोज, बाय स्टिमुलेटिंग मोर ग्लूकोज फ्रॉम गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल ट्रैक्ट, कि जो इंटेस्टाइनल ट्रैक के अंदर ग्लूकोज पड़ा हुआ है उसका ऑब्जेक्शन ज्यादा स्टिमुलेट कर देगा, एंड मोबिलाइजेशन ऑफ ग्लूकोज एंड मोबिलाइजेशन ऑफ ग्लूकोज फ्रॉम, अब जैसे हमें पता है कि हमारी बॉडी में जो ग्लूकोज है किस फॉर्म में पड़ा हुआ है, इट इज इन द फॉर्म ऑफ यू कैन से ग्लाइकोजन। तो यहां पर क्या हुआ, ग्लूकोज फ्रॉम ग्लाइकोजन, कि ये ग्लाइकोजन क्या हो जाएगा, टूट के किसमें कन्वर्ट हो जाएगा, ग्लूकोज में, और ये ब्लड के अंदर जाना स्टार्ट हो जाता है। अब बात आती है, एक क्वेश्चन आता है यहां पे कि व्हाई व्हाई इंसुलिन एंड ग्लूकागन आर कॉल्ड एंटागोनिस्टिक हार्मोन, व्हाई इंसुलिन एंड ग्लूकागन आर कॉल्ड एंटागोनिस्ट, एंटागोनिस्ट का मतलब अपोजिट, आगे बात समझ में। इस तरह से क्वेश्चन फ्रेम हो सकता है कि इनको एंटागोनिस्ट क्यों कहा गया, तो आपका जवाब क्या रहेगा कि जो इंसुलिन है इट इंक्रीजेस द ब्लड ग्लूकोज लेवल, ठीक है ना, सॉरी इंसुलिन डिक्रीजेस द ब्लड ग्लूकोज लेवल एंड ग्लूकागन इंक्रीजेस द ब्लड ग्लूकोज लेवल। क्या काम करता है ग्लूकागन, ये ब्लड लेवल को इंक्रीज करता है, और जो इंसुलिन है ये ब्लड ग्लूकोज लेवल को डिक्रीज करता है। तो इसका आंसर यही आएगा कि जो हमारे पास इंसुलिन है क्या काम कर रहा है, डिक्रीज, नीचे का साइन है डिक्रीज ग्लूकोज लेवल ऑफ ब्लड। और जब हम ग्लूकागन की बात करते हैं, ग्लूकागन क्या काम करता है, इंक्रीज ब्लड ग्लूकोज लेवल, तो दोनों अपोजिट डायरेक्शन में हो गए ना, मीन्स एक दूसरे के खिलाफ खड़े हुए हैं, तो इसलिए इनको हम कहते हैं दे आर एंटागोनिस्टिक टू
ईच अदर। एक सेकेंड क्वेश्चन और अराइज हो रहा है यहाँ पे, लास्ट टाइम यू हैव डिस्कस्ड अबाउट ए डिजीज विच इज यू कॉल्ड डायबिटीज इंसिपिडस, याद आया कुछ? लास्ट टाइम हमने बताया था जब आपको मैंने हाइपोथैलेमस और पिट्यूटरी पढ़ाया था वहां पे, तो आपको डायबिटीज इंसिपिडस भी बताया गया था, लेकिन आज हमने क्या पढ़ा? डायबिटीज मेलिटस हमने पढ़ा। तो दोनों में क्या डिफरेंस हुआ? ये भी डायबिटीज है, ये भी डायबिटीज है। देखो सबसे पहली बात है, ये शुगर रिलेटेड कोई डिसीज नहीं है, ठीक है ना। हाँ, ये शुगर से रिलेटेड डिसीज है, ठीक है ना। इसमें जो हार्मोन है वो डिफरेंट है, इसमें जो हार्मोन है वो डिफरेंट है। तो सबसे पहले हम हार्मोन की डेफिनेशन बताएंगे कि अगर हम डायबिटीज इंसिपिडस की बात करते हैं, इट इज ड्यू टू डेफिशिएंसी ऑफ एडीएच, और नाम क्या है? एंटी डाइयूरेटिक हार्मोन। कि ये क्या करता है? हमारे यूरिन को कंसंट्रेट करता है, लेकिन जब इसकी कमी हो जाए तो ये इसकी कमी से क्या होगा? अब हमारा यूरिन कंसंट्रेट नहीं हो पाता, वो ज्यादा मात्रा में, ठीक है ना, लेस कंसंट्रेट फॉर्म में सीक्रेट होना स्टार्ट हो जाएगा, ठीक है ना। और ड्यू टू इंसुलिन डेफिशिएंसी, ये इंसुलिन की डेफिशिएंसी से होगा। एक एक पॉइंट क्लियर हुआ। फिर यहां पर हम कहते हैं कि जो ग्लूकोज की हम बात करते हैं, ठीक है ना, कि ग्लूकोज लेवल नॉर्मल रहता है इसमें, यहां पर ग्लूकोज लेवल इज नॉर्मल, और एक नॉर्मल ग्लूकोज कितना होता है? 120 मिलीग्राम पर 100 ml ऑफ द ब्लड, ठीक है ना। और अगर हम यहां करते हैं कि जो ग्लूकोज लेवल है क्या हो जाएगा? ग्लूकोज लेवल इज हाई, यहां पर हाई हो जाता है ग्लूकोज लेवल, क्लियर। नेक्स्ट आता है भी, यहां पर जो शुगर है यहां पर वो यूरिन के अंदर सीक्रेट नहीं होती, ठीक है ना, और लेकिन यहां पर जो शुगर है या जो ग्लूकोज है इट इज सीक्रेटेड इन द यूरिन। ग्लूकोज इज नॉट सीक्रेटेड इन यूरिन, इस केस में ऐसा है नहीं, ठीक है ना, बट यूरिन इज लेस कंसंट्रेटेड। देखिए यूरिन क्या होगा? लेस कंसंट्रेटेड होगा, ठीक है ना। अब आ जाइए इसमें, ग्लूकोज इज सीक्रेटेड इन यूरिन, ठीक है ना, बट यूरिन इज कंसंट्रेटेड। यूरिन कैसे होगा? वो कंसंट्रेटेड होगा, क्लियर। ये तो था हमारे पास अबाउट द पैंक्रियाज ग्लैंड। नाउ सेकंड ग्लैंड वी विल टेक, दैट इज टेस्टिस एंड ओवरीज। अब जरा टेस्टिस एंड ओवरीज की हम बात कर लेते हैं, गोनेट्स। देखिए बच्चों, जो गोनेट्स हैं हमारे पास, अगर हम मेल की बात करते हैं तो मेल मेल को हम कहते हैं टेस्टिस, टेस्टिस इन मेल, एंड इफ यू आर टॉकिंग अबाउट द फीमेल्स दे आर कॉल्ड ओवरीज इन फीमेल। तो ये गोनेट्स होते हैं, एंड यू न्यू वेरी वेल कि ये जो गोनेट्स हैं दे आर स्टिमुलेटेड बाय ए हार्मोन विच इज सीक्रेटेड फ्रॉम द पिट्यूटरी ग्लैंड। कहां से सीक्रेट होता है? कि पिट्यूटरी ग्लैंड एक हार्मोन सीक्रेट करता है। कैसे? देखिए जरा, जैसे अगर हम सपोज टेस्टिस की बात करते हैं, सबसे पहले कि जो टेस्टिस हैं, टेस्टिस क्या होते हैं? दे आर इन पेयर। पहली बात तो ये पेयर में प्रेजेंट होते हैं, ठीक है ना, ओवल शेप्ड होते हैं, ओवल शेप प्रेजेंट इन स्क्रोटम, स्क्रोटम के अंदर प्रेजेंट होते हैं। अब स्क्रोटम देखो जरा क्या होता है, कि सपोज
ये ओवल शेप हमारे पास पेयर ऑफ टेस्टिस हैं, इनके ऊपर एक आउटर स्किन फोल्ड होता है इस तरह से। इस आउटर स्किन फोल्ड को हम क्या कहते हैं, स्क्रोटम कहते हैं। और ये क्या हो गया हमारे पास, पेयर ऑफ टेस्टिस हो गई, हो गया। एंड दिस स्क्रोटम जो अब ये प्रेजेंट होगा, इट इज प्रेजेंट, स्क्रोटम प्रेजेंट, और यू कैन से हैंग्स एट लोअर पार्ट ऑफ एब्डोमेन इन बिटवीन थाइस, थाइस के बीच में ये हैंग करता है, ठीक है ना। और अगर हम बात करते हैं यहां पर जो टेस्टिस की, अगर हम इसका टीएस कट करें, यहां से क्या कट करें, टीएस, इसका हम ट्रांसवर्स सेक्शन ले यहां से, तो हमारे पास कुछ इस तरह के स्ट्रक्चर आपको दिखाई देंगे। मैं थोड़ा बड़ा करके दिखा देता हूं इनको, इस तरह से हमारे पास ये स्ट्रक्चर्स आपको दिखाई देंगे, ठीक है ना। और इन स्ट्रक्चर्स को हम कहते हैं सेमिनोफेरस ट्यूब्यूल, क्या बोलेंगे इनको, सेमिनिफेरस सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स इनको बोलते हैं। और यहां पर इन सेमिनोफेरस ट्यूब्यूल्स के बीच में कुछ सेल्स प्रेजेंट होंगे, और इन सेल्स को हम बोलते हैं इंटरस्टिशियल सेल्स, क्या बोलेंगे, इंटरस्टिशियल सेल्स। और दूसरा नेम है लेडिक्स सेल्स, इनको हम बोल देते हैं। क्लियर, होता क्या है बच्चों यहां पे, कि जैसे ही जो हमारा एंटीरियर पिट्यूटरी है वहां से एलएच जो हार्मोन है वो आएगा टेस्टिस के पास, और टेस्टिस के अंदर जो सेल्स होंगे लेडिक्स सेल्स उसको स्टिमुलेट करेगा, तो सीक्रेट ए हार्मोन, ये क्या सीक्रेट कर देंगे, सीक्रेट सिक्रीशन ऑफ हार्मोन टेस्टोस्टेरोन, ये टेस्टोस्टेरोन हार्मोन यहां पर रिलीज होगा। कैसे, देखिए जरा मैं आपको पिक्टोरियल बताता हूं, कि हमारे पास जो पिट्यूटरी ग्लैंड है, पिट्यूटरी ग्लैंड क्या काम करता है, यहां से एलएच हार्मोन, ल्यूटेनाइजिंग हार्मोन जिसका नाम है ल्यूटेनाइजिंग हार्मोन, ये क्या काम करता है, ये गोनेड्स को स्टिमुलेट करता है, और गोनेड्स के अंदर हम कहते हैं कि जो सेल्स हैं, जो इंटेस्टिशियल सेल्स हैं उनको स्टिमुलेट करेगा, ठीक है ना। तो जो एलएच है वो इन सेल्स को स्टिमुलेट करता है टू सीक्रेट टेस्टोस्टेरोन, तो इसका मतलब यहां पर जो टेस्टोस्टेरोन रिलीज हो गया, और हम ये कहते हैं कि जो टेस्टिस है दे सीक्रेट सीक्रेट्स टेस्टोस्टेरोन, ठीक है ना, और इसको हम कहते हैं मेल हार्मोन भी कहते हैं, और सीक्रेट कौन कर रहा है इसको, लेडिक सेल्स कर रहे हैं, ठीक है। और लेडिक सेल को स्टिमुलेट कौन करता है ऐसा करने के लिए, ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन उसको स्टिमुलेट करते हैं, क्लियर। अब बात कर लेते हैं कि हमारे पास जो ये सेमिनोफेरस ट्यूब्यूल्स हैं, क्या है, सेमिनोफेरस ट्यूब्यूल्स आप देख रहे हो, इनके अंदर होगी फॉर्मेशन ऑफ स्पर्म्स, कौन होगी, फॉर्मेशन ऑफ स्पर्म्स, तो ये टेस्टोस्टेरोन का फंक्शन हो जाएगा, कि ये क्या स्टिमुलेट करेगा, कि यहां पर स्पर्म फॉर्मेशन स्टार्ट हो जाएगी। जैसे यहां पर सेल्स होंगे सराउंडिंग में सेमिनोफेरस ट्यूब्यूल्स में, और यहां पर एक प्रोसेस होती है जिसको हम कहते हैं स्पर्मेटोजेनेसिस, तो इसमें चेंजेस आते जाएंगे सेल्स में, और फाइनली यहां सेंटर में बहुत सारे स्पर्म्स बन जाएंगे। तो ये कौन, ये स्पर्म फॉर्मेशन किसकी वजह से हो रही है, ये टेस्टोस्टेरोन क्या करता है, हेल्प इन द स्पर्म फॉर्मेशन में हेल्प करता है। नाउ वी विल टॉक अबाउट द फंक्शंस ऑफ द टेस्टिस, सॉरी फंक्शंस ऑफ दैट इज द हार्मोन टेस्टोस्टेरोन, टेस्टोस्टेरोन हार्मोन के फंक्शन हम करेंगे। तो सबसे पहला फंक्शन यही है कि जो टेस्टोस्टेरोन हार्मोन है, इट हेल्प इन द यू कैन से ग्रोथ ऑफ द एसेसरी ग्लैंड्स, इट हेल्प इन द ग्रोथ
help or we can say stimulate the growth of accessory gland. Accessory gland कौन सा है? जैसे prostate gland है, penis है, इनकी development में help ये secondary सॉरी एसेक्सुअल सेक्स ग्लैंड्स हैं, इनके ग्रोथ में हेल्प करता है. और दूसरा जो फंक्शन होगा इट स्टिमुलेट द सेकेंडरी सेक्सुअल करेक्टर्स एंड बिहेवियर, उनको भी स्टिमुलेट करता है. अगर हम कैरेक्टर्स की बात करते हैं तो मेल्स के अंदर जो सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर्स होंगे वो कौन कौन से होंगे, और वो एट द पॉबर्टी यू कैन से सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर्स एंड बिहेवियर एट ए पॉबर्टी. कि जब वो पॉबर्टी में जा जाएगी, पॉबर्टी का मतलब होता है कि द एज एट विच मेल स्टार्ट प्रोड्यूसिंग गैमिट्स. क्या हो जाए? गैमिट्स बनने स्टार्ट हो जाएगा. यहां पर क्या बनेंगे? गैमिट क्या होगा? यहां पर स्पर्म होगा, उसको हम कहते हैं पॉबर्टी. तो जब पॉबर्टी आ जाएगी तो सेकेंडरी सेक्सुअल करेक्टर कौन कौन से होंगे जो मेल के अंदर आपको दिखाई देंगे. पहला करेक्टर है कि बियर्ड, और डेवलपमेंट ऑफ मस्टेचेस. बियर्ड सबसे पहला है, डेवलपमेंट ऑफ मोस्टेचे बियर्ड, ये सबसे जो सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर है जो टेस्टोस्टेरोन के कारण होता है. एंड यू कैन से हेयर्स ऑन द बॉडी, हेयर्स ऑन द बॉडी, ये सारी बॉडी पे क्या आ जाएंगे? हेयर्स आ जाएंगे. और जो वॉइस है वो डीप हो जाएंगे, डीपनिंग ऑफ द वॉइस, डीपनिंग ऑफ द वॉइस, वॉइस जो हो जाएगी वो डीपन हो जाएगी, ठीक है ना. एंड ब्रॉडनिंग ऑफ द शोल्डर्स, कि जो शोल्डर्स है वो चौड़े हो जाएंगे, ब्रॉडनिंग ऑफ शोल्डर्स, इस शोल्डर्स है वो ब्रॉडन हो जाएंगे. एंड जो हमारे बोन्स की ग्रोथ है और जो मसल्स की ग्रोथ है उसको स्टिमुलेट करेगा, स्टिमुलेट द ग्रोथ ऑफ बोन्स एंड मसल्स, स्टिमुलेट द ग्रोथ ऑफ बोन्स एंड मसल्स. इसका मतलब हम देखते भी हैं कि जो मेल्स होते हैं उनकी जो मसल्स हैं दे आर स्ट्रोंगर देन द फीमेल्स. इसका मतलब क्या हुआ कि जो मसल्स की डेवलपमेंट है और जो बोन्स की है, इसलिए जो मेल्स होते हैं दे आर स्ट्रोंग फिजिकली देन द फीमेल बिकॉज ऑफ दिस टेस्टोस्टेरोन हार्मोन. क्यों? क्योंकि ये बॉडी को बहुत सख्त बनाता है, ठीक है ना, रिजिड बनाता है बॉडी को. इसलिए जो मेल्स होते हैं उनकी जो बॉडी है वो मस्कुलर होती है, एंड इट इज बिकॉज ऑफ दिस टेस्टोस्टेरोन हार्मोन. और जो लास्ट फंक्शन है, जैसे मैंने अभी बोला कि जो टेस्टोस्टेरोन है इट हेल्प इन द स्पर्म फॉर्मेशन. किसमें हेल्प करता है? स्पर्म फॉर्मेशन इन सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स. इट आल्सो स्टिमुलेट फॉर्मेशन ऑफ स्पर्म इन सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल. जैसे कि आपको ये सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल मैंने बना के दिखा रखी है, यहां पर स्पर्म फॉर्मेशन होगा. और इस प्रोसेस को हम कहते हैं स्पर्म फॉर्मेशन के, क्या कहते हैं? स्पर्मेटोजेनेसिस भी कह सकते हैं. स्पर्मेटोजेनेसिस, स्पर्मेटोजेनेसिस फॉर्मेशन ऑफ स्पर्म. स्पर्म का बनना उसको हम क्या कहते हैं? स्पर्मेटो
जेनेसिस उसको हम कहते हैं। सो दिस इज अबाउट द मेल गोनेड दैट इज अ टेस्टिस। अब हम सेकंड गोनेड लेते हैं फीमेल्स, जिसको हम कहते हैं ओवरीज। देखिए बच्चों, जो ओवरीज होती हैं, दे आर आल्सो प्रेजेंट इन पेयर, वो भी क्या होती हैं, पेयर में होती हैं एंड लाई इन एब्डोमेन, ये भी क्या होती हैं, प्रेजेंट इन पेयर एंड लाई इन एब्डोमेन। अगर आप बात करते हैं फीमेल ओवरी की, तो फीमेल ओवरी आपको कुछ इस तरह से दिखाई देगी, ये फैलोपियन ट्यूब्स होती हैं, और ये इसमें ऐसे फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस होती हैं, फैलोपियन ट्यूब्स में जो एग को कलेक्ट करती हैं, और यहां पर लिगामेंट के साथ यहां पर इस तरह से ये ओवरी जुड़ी होती है, और एक लेफ्ट ओवरी होगी और एक राइट ओवरी होगी, दिस इज ओवरी, ठीक है ना। तो यहां पर पेयर में है, ये एक राइट ओवरी होगी, एक लेफ्ट ओवरी होगी, मींस पेयर में होगी, ठीक है ना। और यहां पर जो ओवरी है, इससे यहां पर तीन हार्मोन रिलीज होते हैं, इट सीक्रेट थ्री फीमेल सेक्स हार्मोन, मींस इसके फीमेल के अंदर ही रिलीज होंगे थ्री सेक्स फीमेल हार्मोन, थ्री फीमेल सेक्स हार्मोन्स, जो हार्मोन सिर्फ फीमेल्स के अंदर सीक्रेट होंगे। पहला हार्मोन है हमारे पास, जैसे एस्ट्रोजन की हम बात करते हैं, एस्ट्रोजन सीक्रेट करते हैं। दूसरा है हमारे पास प्रोजेस्टेरोन, ये सीक्रेट होता है। और तीसरा हार्मोन है फीमेल्स के अंदर जो होगा रिलैक्सिंग। अब हम इस हार्मोन को वन बाय वन स्टडी करेंगे। सबसे पहले हम लेंगे जो एस्ट्रोजन हार्मोन है, सबसे पहले हम लेते हैं एस्ट्रोजन। देखिए बच्चों, जब हम एस्ट्रोजन हार्मोन की बात करते हैं, इट इज सीक्रेटेड बाय द स्पेसिफिक सेल्स ऑफ द ग्राफीन फोलिकल, इट इज सीक्रेटेड बाय स्पेसिफिक सेल्स ऑफ ग्राफियन फोलिकल्स, मींस फीमेल्स के अंदर बहुत सारी फोलिकल्स होती हैं, ठीक है। जब उनकी डेवलपमेंट होती है, वो ग्राफियन फोलिकल में कन्वर्ट हो जाती है, तो ड्यूरिंग दिस प्रोसेस वो ग्राफियन फोलिकल क्या सीक्रेट करती है, एस्ट्रोजन हार्मोन सीक्रेट करती है, ठीक है ना। और इसमें क्या होता है कि जब ये ग्राफियन फोलिकल होगा, तो यहां पर क्या होगा, फॉर्मेशन ऑफ ओवा भी लगकर कि एग बढ़ेगा, ओवा या एग इसको हम कहते हैं, ड्यूरिंग द फॉर्मेशन ऑफ द एग यू कैन सी, इसको हम क्या कहते हैं, ओवा। तो जैसे इस ओवा बनने को हम क्या कहते हैं, ओजेनेसिस इसको हम बोल देते हैं, क्या बोलेंगे, ओजेनेसिस मींस फॉर्मेशन ऑफ एग इज कॉल्ड ओजेनेसिस, ठीक है ना। अब ये जो हार्मोन है, अब इसके फंक्शन की हम बात करते हैं, ये फंक्शन क्या करेगा, जैसे हम कहते हैं कि फीमेल हार्मोन है, तो फीमेल के अंदर जो सेकेंडरी सेक्स कैरेक्टर्स होते हैं, उनकी डेवलपमेंट में इट स्ट्यूमुलेट सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर्स एंड बिहेवियर इन फीमेल एट पॉबर्टी। जो फीमेल्स हैं, उनमें भी पॉबर्टी आती है एट द एज ऑफ 12 to 13 years, ठीक है ना, 12 to 13 years पॉबर्टल एज है, तो उस दौरान क्या होगा, ये स्टिमुलेट करेगा सेक्सुअल कैरेक्टर की डेवलपमेंट को। अब बात आते हैं कि सेक्सुअल कैरेक्टर कौन कौन से होंगे, कि सेक्सुअल कैरेक्टर सच एज
पहला फैक्टर कि जैसे आप कहते हैं कि एनलार्जमेंट ऑफ द ब्रेस्ट, एनलार्जमेंट ऑफ द ब्रेस्ट, कि जो ब्रेस्ट का साइज है वो इंक्रीज करेगा फीमेल में एट द यू कैन से अचीविंग द पपर्टल एज. ओके, नेक्स्ट आता है ब्रॉडनिंग ऑफ द पेल्विक, ब्रॉडनिंग ऑफ पेल्विस. पेल्विस होता जो हमारा हिप, जो फीमेल्स का हिप रीजन होता है वो चौड़ा होना शुरू हो जाता है, ठीक है ना. एंड ग्रोथ ऑफ द प्यूबिक एंड एक्सिलरी हेयर, स्टिमुलेट द ग्रोथ ऑफ प्यूबिस एंड एक्सिलरी एक्सिलरी हेयर्स, कि जो आर्मपिट्स हैं उनके अंदर जो है हेयर्स की ग्रोथ आनी स्टार्ट हो जाती है. एंड यू कैन से ऑनसेट ऑफ द मेंस्ट्रुएशन हेल्प इन द ऑनसेट ऑफ द मेंस्ट्रुएशन. तो ये सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर्स हैं जो पुबर्टी के दौरान फीमेल्स के अंदर दिखने स्टार्ट हो जाते हैं. और यहां पर हम कहते हैं कि इट इज द हार्मोन दैट इज एस्ट्रोजन विच इज रेस्पॉन्सिबल फॉर दिस सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर्स. क्या ये सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर्स हैं जो पुबर्टल एज के आने के बाद ये फीमेल्स के अंदर डेवलप होते हैं. तो दूसरा हार्मोन है हमारे पास यहां पर दैट इज प्रोजेस्टेरोन. देखिए अभी हमने आपको बोला कि जो ओवेरियन फोलिकल्स होती हैं, फोलिकल से क्या होता है एग बाहर निकलता है. देखिए कैसे कि सपोज ये एग है, ठीक है ना. जब ग्रेफियन फोलिकल होती है वो क्या करती है, उसके चारों तरफ ऐसे बहुत सारे सेल्स प्रेजेंट होंगे, इस तरह से बहुत सारे सेल्स ऐसे सराउंड करते हैं एग को. ऐसे कई लेयर्स होती हैं जिसको हमने क्या बोल दिया, ग्रेफियन फोलिकल्स बोल दिया. जब ये ग्रेफियन फोलिकल मैच्योर हो जाएगी तो क्या करेगी, बस्ट करेगी. ग्रेफियन फोलिकल क्या करेगी, बस्ट करेगी. और इसमें से जो एग है ये एग है ये बाहर आ जाएगा. इसका मतलब क्या हुआ कि यहां से अब ये एग बाहर आ जाएगा. जैसे सपोज ये बाहर आ गया और यहां पर रिमेनेंट सेल बच जाएंगे. रिमेनेंट सेल्स कौन से बच जाएंगे, ये इस तरह सेल्स इसमें बच जाएंगे. मींस ये बस्ट होके इसमें से बाहर आ गया, ये क्या हो गया, बस्ट हो गया और इसमें से क्या निकल गया है, ये एग बाहर आ गया है. इसी प्रोसेस को हमने नाम दिया है ओवुलेशन. क्या नाम दिया है, ओवुलेशन. मींस बस्टिंग ऑफ द ग्रेफियन फोलिकल एंड रिलीज ऑफ द एग, ठीक है ना. अब ये जो रिमेनिंग सेल्स बचे यहां पर ये क्या काम करते हैं, दे गेट कन्वर्टेड इनटू कॉर्पस ल्यूटियम. तो ये क्या करेंगे, ऐसे एक अलग से एंडोक्राइन टिश्यू बना देंगे. क्या बना देंगे, एंडोक्राइन टिश्यू, जिसको हम क्या बोलेंगे, इस तरह से ये बन गया हमारे पास कॉर्पस ल्यूटियम. क्लियर, कि ये जो रिमेनिंग रिमेनेंट सेल थे, रिमेन्स ऑफ द ग्रेफियन फोलिकल, रिमेनिंग सेल्स ऑफ ग्रेफियन फोलिकल थे, दे गेट कन्वर्टेड इनटू कॉर्पस ल्यूटियम. और कॉर्पस ल्यूटियम क्या करेगा, इट सीक्रेट टू हार्मोन. पहला है आपके पास प्रोजेस्टेरोन और दूसरा है आपके पास रिलैक्सिन. एट द टाइम ऑफ द यू कैन से डिलीवरी ऑफ द बेबी दिस रिलैक्सिन हार्मोन इज रिलीज्ड फ्रॉम दिस कॉर्पस ल्यूटियम, ठीक है ना. समझा के कैसे रिलीज होता है. अब जरा इसके फंक्शन देख लेते हैं कि
फंक्शन क्या कहते हैं, ठीक है ना। तो जो प्रोजेस्टेरोन है इट इज सीक्रेटेड बाय कॉर्पस लूटियम, कॉर्पस लूटियम जो है वो इसको सीक्रेट करता है। अब जो कॉर्पस लूटियम है इट इज फॉर्म्ड बाय द रप्चरिंग ऑफ द ग्रेफिन फोलिकल, कॉर्पस लूटियम फॉर्म्ड बाय रप्चरिंग ऑफ ग्राफियन फोलिकल, ये जो ग्राफियन फोलिकल है वो रप्चर हो जाती है तब ये बनता है, ठीक है ना। अब इसके फंक्शन क्या रहेंगे, व्हाट आर द फंक्शंस ऑफ दिस हार्मोन। अब जरा फंक्शंस की बात कर लेते हैं कि पहला काम तो ये प्रेगनेंसी को क्या करता है, मेंटेन करता है, मेंटेनेंस ऑफ द प्रेगनेंसी। अब जब मेंटेन करेगा प्रेगनेंसी को इसका मतलब क्या होगा, जो ओवुलेशन हो रहा है उसको क्या करेगा, सस्पेंड कर देगा, एंड सस्पेंड ओवुलेशन। कि अब जब प्रेगनेंसी होगी फीमेल्स के अंदर तो ओवुलेशन क्या हो जाएगा, स्टॉप रहेगा, ओवुलेशन विल नॉट अकर, दैट मीन मेंस्ट्रुएशन साइकिल विल स्टॉप, उस टाइम पे नहीं होगा। नेक्स्ट है फिर इट स्टिमुलेट थिकनिंग ऑफ द यूट्राइन वॉल, जैसे ये देख रहे हो आप यूट्राइन वॉल, इसको बोलते हैं यूट्रस। तो यूट्रस की जो ये वॉल है अंदर की, इसकी क्या होगी, थिकनिंग होना स्टार्ट हो जाएगी, ठीक है ना, जब ये रिलीज होगा तो क्या करेगा, इट स्टिमुलेट द थिकनिंग ऑफ द यूट्राइन वॉल, इट स्टिमुलेट थिकनिंग ऑफ यूट्राइन वॉल। यहां पर थिकनिंग होने का मतलब ये क्या है कि यहां पर जो ब्लड वेसल्स हैं, ठीक है ना, एंड म्यूकस है, वो बहुत ज्यादा यहां पर बढ़ना स्टार्ट हो जाएगा, जिससे होगा जो यूट्रस की जो वॉल है दे बिकम थिकन। क्यों, क्योंकि जब फर्टिलाइजेशन होगा तो फर्टिलाइजेशन के बाद जो यहां पर एम्ब्रियो आएगा वो इसके अंदर जाके लिंक बनाएगा मदर के साथ, तो उसके लिए यहां पर क्या होगा कि थिकनिंग का होना बहुत जरूरी है, विच इज यू कैन से स्टिमुलेटेड बाय द कौन सा हार्मोन है, प्रोजेस्टेरोन, ठीक है ना, एंड यू कैन से ड्यूरिंग द मेंस्ट्रुएशन साइकिल, ड्यूरिंग मेंस्ट्रुएशन या मेंस्ट्रुअल साइकिल इसको हम बोल सकते हैं। तो यहां पर जब मेंसेज आते हैं फीमेल्स के पहले वीक में, तो वहां पर जो यूट्राइन वॉल है उसकी वॉल थिकनिंग होना स्टार्ट हो जाती है। तो दिस अबाउट द यू कैन से फंक्शंस ऑफ द प्रोजेस्टेरोन। नाउ कम टू द थर्ड हार्मोन दैट इज रिलैक्सिन। अब मैंने बोला कि कॉर्पस लूटियम ही इसको प्रोड्यूस करता है, इट इज प्रोड्यूस्ड बाय द कॉर्पस लूटियम एट द एंड ऑफ द गेस्टेशन, इट इज प्रोड्यूस्ड बाय कॉर्पस लूटियम एट द एंड ऑफ गेस्टेशन पीरियड। अब गेस्टेशन पीरियड क्या होता है, गेस्टेशन पीरियड का मतलब होता है इट इज द टाइम पीरियड इन विच, और यू कैन से इट इज द टोटल टाइम इन विच द फीटस रिमेन इन द यूट्रस ऑफ द फीमेल, ठीक है ना। गेस्टेशन क्या है, इट इज द टाइम पीरियड ड्यूरिंग विच यंग वन डेवलपमेंट अकर्स इनसाइड वॉम, और यू कैन से यूट्रस, और इट इज राउंड अबाउट 9 मंथ्स रहता है,
नाइन मंथ का गेस्टेशन पीरियड होता है फीमेल्स का, कितना होता है नाइन मंथ का, उसको गेस्टेशन पीरियड कहते हैं। इसका मतलब क्या होगा कि जैसे गेस्टेशन कंप्लीट होगा उस टाइम में रिलैक्सिंग हार्मोन यहां पर रिलीज होगा और ये हेल्प क्या करेगा, इट हेल्प इन द इजी बर्थ ऑफ द यंग वन, हेल्प इन इजी बर्थ ऑफ यंग, ये जो डिलीवरी ऑफ द बेबी उसमें ये हेल्प करता है। अब देखते हैं नेक्स्ट, हमारे पास जो नेक्स्ट ग्लैंड आता है दैट इज थाइमस ग्लैंड, थर्ड ग्लैंड है हमारे पास थाइमस ग्लैंड। देखिए जब भी थाइमस की बात होती है ये एक बहुत ही सॉफ्ट पिंकिश बाइलोब्ड ग्लैंड है जो हार्ट के बिल्कुल नजदीक है, यहां पर ये हमारा हार्ट है, यहां पर हमारा थाइमस ग्लैंड प्रेजेंट होगा। तो सबसे पहले हम ये देखेंगे जो थायराइड ग्लैंड है कैसा है, सॉफ्ट पिंकिश, थोड़ा सा इसका पिंकिश कलर होता है, ठीक है ना, और पिंकिश होने के साथ साथ ये बाइलोब्ड भी है, इसकी दो लोब्ड है, लोब है, इट इज अ बाइलोब्ड, यू कैन से एंड यू कैन से प्रेजेंट एट द नियर द हार्ट, एंड प्रेजेंट नियर हार्ट, ये हार्ट के बिल्कुल पास प्रेजेंट होता है। और हमें कहते हैं कि जब बच्चा पैदा होता है या हम कहते हैं कि जो इन्फेंट्स होते हैं तो उनमें इसका साइज मैक्सिमम रहता है, बहुत बड़ा रहता है, ठीक है ना, लेकिन जब पबर्टल एज आती है, ठीक है ना, इट स्टार्ट्स श्रिंकिंग और ये श्रिंक होना स्टार्ट हो जाता है, और इसका मतलब क्या होगा जब ओल्ड एज आएगी तो वहां पर इसका जो साइज है बहुत ही स्मॉलर रह जाता है। इसका मतलब इसकी सिग्निफिकेंस है बॉडी के अंदर, इसलिए हम देखते हैं कि जो इम्यूनिटी है वो यंगर जो बच्चे होते हैं उनकी इम्यूनिटी ज्यादा रहती है एज कंपेरिजन टू द ओल्डर वंस, कि जो ओल्ड पीपल होते हैं उनकी जो इम्यूनिटी है वो डाउन रहती है, क्यों, क्योंकि जो लिम्फोसाइट्स बनते हैं वही थाइमस पे बनते हैं, आपने नाम सुना टी लिम्फोसाइट, इसका मतलब बोन मैरो में जो लिम्फोसाइट बने और बोन मैरो से चल गए वो थाइमस पे जाके मैच्योर हुए, तो तभी तो उनका नाम क्या दिया गया टी लिम्फोसाइट, उनका नाम दिया गया क्या नाम दिया गया टी लिम्फोसाइट उनको हमने नाम दिया है। इसका मतलब क्या हुआ कि जो ये ग्लैंड है इट इज इसका जो साइज है इट इज मैक्सिमम ड्यूरिंग द प्यूबर्टी, इट्स साइज इज मैक्सिमम, मीन्स इसका जो साइज होता है मैक्सिमम होता है ड्यूरिंग प्यूबर्टी, मीन्स यंगर एज, ठीक है ना, बट बिगिंस टू श्रिंक देयर आफ्टर, बट बिगिंस टू श्रिंक देयर आफ्टर, कि उसके बाद क्या होता है वो श्रिंक होना स्टार्ट हो जाता है, ठीक है ना, एंड बिकम माइक्रोस्कोपिक इन एंड बिकम माइक्रोस्कोपिक, मीन्स हम उसको माइक्रोस्कोप से देखेंगे, मतलब बहुत माइक्रो साइज हो जाएगा उसका, ठीक है ना, इन ओल्ड एज, इन ओल्ड एज। अब बात कर लेते हैं जरा इनके फंक्शंस की, कि ये जो थाइमस ग्लैंड है ये इतना इंपॉर्टेंट है क्यों है। देखिए इट ब्रिंग्स अबाउट द मैच्योरेशन ऑफ द टी लिम्फोसाइट, क्या करता है फंक्शंस, पहला फंक्शन है इट ब्रिंग्स अबाउट मैच्यूरेशन ऑफ टी लिम्फोसाइट्स, कि जो टी लिम्फोसाइट है उनको बनाता है। अब जैसे हमने बोला कि जो लिम्फोसाइट है वो दो तरह के आपने बताए थे, एक बी लिम्फोसाइट और एक टी लिम्फोसाइट आपको बताए गए थे, ठीक है ना, नाइन्थ क्लास आपने पढ़ा था।
अब जो टी लिम्फोसाइट इसी नाम का इसलिए पढ़ा, क्यों लिम्फोसाइट बनते हैं बोन मैरो में, और बोन मैरो में से चल गए मैच्योर है कहां गए थाइमस के पास, इसलिए इनको बोल दिया टी लिम्फोसाइट्स। क्लियर। अब बात हम कर रहे हैं यहां पे हार्मोन की कि इट सीक्रेट ए हार्मोन थाइमोसिन, क्या सीक्रेट करती है ये, इट सीक्रेट्स ए हार्मोन थाइमोसिन, ये थाइमोसिन हार्मोन यहां पर रिलीज होता है जिसकी हम बात कर रहे हैं, और ये जो टी लिम्फोसाइट्स हैं ये इसको सीक्रेट करते हैं, और जो थाइमोसाइन है रिक्वायर्ड बाय द सिंथेसिस ऑफ द लिम्फोसाइट्स, ठीक है ना। अब ये जो ग्लैंड है क्या सीक्रेट करता है, ये थाइमोसिन सीक्रेट करता है, एंड इट इज रिक्वायर्ड रिक्वायर्ड फॉर सिंथेसिस ऑफ, इट मींस इस हम बात कर रहे हैं यहां पे थाइमोसिन की, थाइमोसिन इज रिक्वायर्ड फॉर सिंथेसिस ऑफ टी लिम्फोसाइट, अगर लिम्फोसाइट बनने हैं इट इज ओनली फाउंड व्हेन देयर इज अ थाइमोसिन हार्मोन, एंड दे आल्सो हेल्प इन द यू कैन से रेसिस्टेंस टू इन्फेक्शन एंड एलर्जी, हेल्प इन रेसिस्टेंस टू, कि हमारे अंदर रेसिस्टेंस होता है इन्फेक्शन, रेसिस्टेंस टू इन्फेक्शन एंड एलर्जी जो थाइमस ग्लैंड है, ठीक है ना, वो हमने करना है। लास्ट आता है अब सबसे स्मॉलेस्ट ग्लैंड है, ठीक है ना, जो पीनियल ग्लैंड जिसको हम कहते हैं, जो हमारे ब्रेन जो सेरिब्रल हेमिस्फीयर होती हैं उनके ठीक नीचे ये प्रेजेंट होता है। सबसे लास्ट टॉपिक है आज पीनियल ग्लैंड, देखिए बच्चों जो पीनियल ग्लैंड है इट इज वेरी स्मॉल रेडिश ग्रे, इट इज स्मॉल रेडिश ग्रे, एंड यू कैन से सॉलिड बॉडी, यू कैन से लाइंग बिटवीन द सेरेब्रल हेमिस्फीयर, सॉलिड बॉडी लाइंग बिटवीन सेरेब्रल हेमिस्फीयर, कि जो सेरेब्रल हेमिस्फीयर्स हैं उनके साथ ही वहां पर प्रेजेंट होता है ऑफ द ब्रेन। क्लियर, क्वेश्चन क्लियर होगी। अब उसके बाद हम बात करते हैं इट सीक्रेट ए हार्मोन मेलाटोनिन, कौन सा हार्मोन, इट सीक्रेट्स ए हार्मोन मेलाटोनिन, विच इज वेरी इंपॉर्टेंट। इसका मतलब क्या हो गया, अगर हम मेलाटोनिन की बात करते हैं इसका सबसे पहला फंक्शन क्या होता है, इट कंट्रोल द यू कैन से बायोसिंथेसिस ऑफ, और यू कैन से बायोरिदम्स ऑफ द बॉडी, इट इस हार्मोन की बात करते हैं। मेलाटोनिन क्या काम करता है, फंक्शंस ऑफ मेलाटोनिन, आप हेडिंग डालो यहां पे फंक्शंस ऑफ मेलाटोनिन, ये काम क्या करता है कि जो बॉडी के रिदम्स होते हैं उनको ये कंट्रोल करता है, कंट्रोल ऑफ बॉडी रिदम्स, ठीक है ना, क्या काम करता है बॉडी रिदम्स, इसको हम क्लॉक भी बोल सकते हैं, बॉडी क्लॉक, जैसे हम कहते हैं कि सुबह हम उठते हैं फिर चाय पीते हैं, चाय के बाद फिर हम ब्रेकफास्ट करते हैं, ब्रेकफास्ट के बाद हम फिर लंच के लिए जाएंगे, फिर लंच के बाद हम शाम को डिनर करते हैं, और डिनर करने के बाद रात को हम सो जाते हैं, और दोबारा सुबह फिर हम उठते हैं, तो क्या हो गया एक रिदम हो गया ना बॉडी का, इसको बोलते हैं बायोलॉजिकल रिदम, और यू कैन से कंट्रोल ऑफ द बॉडी रिदम, तो कौन कंट्रोल कर रहा है मेलाटोनिन, ठीक है ना। और जो हमारे मूड्स हैं, आपका मूड कैसा है वो भी मेलाटोनिन डिसाइड करेगा, ठीक है ना, आपकी स्लीप एंड वेक साइकिल, स्लीप एंड अवेक साइकिल, कि आप कब उठते हो कब सोते हो, ठीक है ना, सेक्सुअल साइकिल,
भी यही कंट्रोल करता है. एंड इट ऑल्सो हैज ए यू कैन से एंटा और व्हाट डू यू कॉल इट इज एंटी गोनाडोट्रोफिक एक्टिविटी. यू कैन से इट ऑल्सो हैज एंटी गोनेडल एक्टिविटी कि जो हमारे गोनेड्स हैं जो उनका वर्क होता है उसके अगेंस्ट भी ये काम कर सकता है. ठीक है स्टूडेंट्स, तो आज के लिए हम इतना ही पढ़ेंगे और अगले लेक्चर में हम वहां पर कुछ दो और तीन ग्लैंड्स ऐसे रहते हैं जैसे हमारे पास गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल ट्रैक्ट है, हमारा हार्ट है और हमारे जो किडनीज हैं वो भी कुछ हार्मोन सीक्रेट करती है. और लास्ट में हम पढ़ेंगे कि जो होम्योस्टेसिस की हम बात करते हैं या जो फीडबैक मैकेनिज्म है कि जो हार्मोन सीक्रेट होते हैं वो कैसे सीक्रेट हो रहे हैं, वो कैसे कंट्रोल्ड वे में सीक्रेट हो रहे हैं, वो हम अगले लेक्चर में स्टडी करेंगे. तो वो हमारा लास्ट लेक्चर रहेगा. सो मेरे अगले लेक्चर का इंतजार करें और आज का जो टॉपिक हमने कवर किया उसको अच्छी तरह से रिवाइज करें, कॉन्सेप्ट को रिवाइज करें और इससे रिलेटेड जो भी क्वेश्चंस आपको दिए गए हैं उनको अच्छे से सोल्व करें. टिल देन हैव अ नाइस डे. थैंक यू.